जी, तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप जानते हैं, जो एशिया कप की जो कंट्रोवर्सी थी वो ख़त्म होने के करीब थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और उसने एक नया मोड़ ले लिया है। बात यह है कि जी, इंडिया अपनी जिद से निकलने को तैयार ही नहीं है और वो पाकिस्तान की जो बात है वो मानने को तैयार ही नहीं है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो नजम सेठी साहब इंडिया की क्रिकेट को बचाने की कोशिश, और दूसरी तरफ बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको बचाने की कोशिश में नाकाम होते नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, एक और बात सामने आई है कि जी BCCI के पास चूँकि पैसा बहुत ज़्यादा है और उन्होंने अफगानिस्तान को भी साथ में ला लिया, और वो पाकिस्तान की बात नहीं मानेंगे, जो मर्जी हो जाए आखिरी हद तक वो कोशिश करेंगे कि हम पाकिस्तान की बात नहीं हमने मानी, चाहे जो मर्जी हो जाए। चूंकि इंडिया बात नहीं मान रहा, और दूसरी तरफ नजम सेठी साहब ने भी अपनी बात रख दी है, जय शाह साहब के सामने भी और ACC के सामने भी, और नज़र ये आ रहा है कि जी जो एशिया कप का जो पेंडुलम है वो रुकने की बजाय उसमें मज़ीद तेज़ी आ रही है। खैर, बात ये है, नज़र तो ये आ रहा है कि जी इंडिया जो अपनी अना की जंग है वो जीतने में कामयाब हो जाएगा, और जो होस्टिंग राइट्स हैं वो पाकिस्तान से ले लेगा। इंडिया नहीं चाहता कि जी जो 4 मैच है पाकिस्तान में एशिया कप के वो हों। और उसके बाद नजम सेठी साहब क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जी नजम सेठी साहब उसके बाद क्या करेंगे। आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जी इंडिया की तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ सामने आने वाली थी। सबको यही नज़र आ रहा था कि जी पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं और कंट्रोवर्सी ख़त्म होती नज़र आ रही है, लेकिन चूँकि पैसा बहुत ज़्यादा इंडिया के पास, उन्होंने बांग्लादेश, श्रीलंका और ACC के साथ साथ अफगानिस्तान को भी अब अपने साथ मिला लिया। होना ये था कि जी जो 4 मैचेज़ हैं वो पाकिस्तान में होने थे एशिया कप के, और जो बाकी जो मैचेस हैं वो हाइब्रिड मॉडल पर होने थे, और जो पाकिस्तान की तरफ से जो हाइब्रिड मॉडल डिसाइड हुआ था वो दुबई हुआ था। लेकिन इंडिया ने ये किया कि जी बहाना लगा दिया कि जी गर्मी बहुत ज़्यादा है दुबई में तो हम नहीं जा सकते। इसी के साथ फिर उधर जोन से जो क्रिकेट ऑफिशल्स हैं वो भी एक्टिव हो गए, उन्होंने जय शाह साहब के साथ मीटिंग की और बोला कि देखें ठीक है, आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, और क्या कहते हैं कि जो आपके जो मामला थे आप पाकिस्तान को, जो भी आपके साथ तो मामला था पाकिस्तान के साथ, अपनी कंट्रीज तक रखें, हमारी क्रिकेट को ख़राब ना करें और गर्मी का बहाना ना लगाएं। उन्होंने ये बोला कि देखें आपने सितंबर में IPL और जो है क्या कहते हैं एशिया कप इधर ऑर्गेनाइज करवाया था सितंबर में, लेकिन अब आप ये बहाना लगा रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो चूँकि आप अपने जो मामला था आपने जो भी लड़ाइयाँ करनी है वो पाकिस्तान से करें, लेकिन हमारी क्रिकेट को आप नुकसान ना पहुँचाएं। उन्होंने जय शाह साहब तो को बोल दिया था दुबई के जोन से ऑफिशियल हैं। इधर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, अगर पाकिस्तान में एशिया कप मंजूर नहीं होता, चूँकि नज़र आ रहा है क्योंकि पिछले दिनों जो जय शाह साहब हैं उन्होंने IPL के फाइनल में दावत दी है देखने के लिए, बांग्लादेश के चेयरमैन को, श्रीलंका के चेयरमैन को और ACC को दावत दी है, और उधर उस हवाले से उन्होंने मीटिंग भी करनी थी, और मुझे ऐसा जो नज़र आ रहा है कि जी एशिया कप पाकिस्तान से छीनता हुआ ही नज़र आ रहा है। और इंडियन मीडिया पर और जो पाकिस्तानी मीडिया पर जो कल तक न्यूज़ चल रही थी कि जी इंडिया की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स सामने आ जाएगा, और अब जो सूरत हाल मुख्तलिफ हो चुकी है और इंडियन मीडिया पर अब ये न्यूज़ आ रही हैं कि जी श्रीलंका होस्टिंग राइट्स होगा, होस्टिंग यानी कि वेन्यू होगा एशिया कप का, और उसकी दूसरी तरफ अगर देखें तो जी नजम सेठी साहब भी एक्टिव हो चुके हैं और PCB भी एक्टिव हो चुका है, और उन्होंने वाजिया तौर पे इस बात की तस्दीक भी कर दिया अगर पाकिस्तान से होस्टिंग राइट्स छीन ली है तो पाकिस्तान एशिया कप से करेगा बायकॉट। सर, मैं आपको एक लास्ट बात बताता चलूँ कि अगर पाकिस्तान एशिया कप से करता है बायकॉट तो जो एशिया कप का जो स्नैरियो है 5 टीमों का, वो जो स्नैरियो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर मुझे नहीं लगता कि जो एशिया कप का जो नाम है वो फिर एशिया कप रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान तो बायकॉट कर चुका है, और इससे पहले ये पहली दफ़ा नहीं है कि जी पाकिस्तान बायकॉट करा, इंडिया ने भी बायकॉट किए हुए हैं पहले, और पाकिस्तान ने इससे पहले बायकॉट 1990 में किया था, और मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है कि अगर पाकिस्तान बायकॉट करेगा तो पूरी दुनिया में जो एशियन क्रिकेट तो खैर मुतासिर होगी और पूरी दुनिया की भी क्रिकेट मुतासिर होगी, और मुझे जहाँ तक नज़र ये भी आ रहा है कि जी शायद एशिया कप ऑर्गेनाइज ही ना हो। तो अब तो ये खैर जो अगले जो लम्हात हैं, जो क्या कहते हैं क्रिकेट के जो लम्हात हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर देखें अब क्या होता है, क्योंकि अब जी कंट्रोवर्सी ने दोबारा एक नए सिरे से एक मोड़ वापस ले लिया, जैसे यू टर्न नहीं लेते वैसे ही वापस ले लिया, और देखें अब क्या होता है। अच्छा जी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपना हौसला भी ज़्यादा रखिएगा, तो मुझे उम्मीद है कि शायद इंडिया मान ही जाए, लेकिन अगर नहीं मानता तो पाकिस्तान करेगा बायकॉट। अल्लाह हाफिज़।